इस दिग्गज HDFC बैंक के भी Q2 के प्री क्वार्टर अपडेट्स आए हैं, जहां पे इस बार अगर हम देखें तो कंपनी के जो एडवांसेस अंडर मैनेजमेंट है उसमें लगभग 8% की बढ़त हुई है, वहीं डिपॉजिट्स में 15% की बढ़त कंपनी ने दर्ज की है। एक बार विवेक आपसे समझना चाहेंगे कि कुछ ही समय पहले ये जो अपडेट सामने आए हैं, अगर हम डिपॉजिट्स देखें तो वहां पर साल दर साल जो है एक शानदार ग्रोथ देखने को मिली है 15% की, पर तिमाही दर तिमाही ये जो ग्रोथ का नंबर है वो 5% का है। वहीं अगर हम एडवांसेस की बात करें तो 8% की ग्रोथ YOY है, पर 2.3% की ग्रोथ जो है वो तिमाही दर तिमाही है। विवेक, आपका टेक इस ग्रोथ नंबर पे, और HDFC बैंक कल भी ये काफी पिटता हुआ नजर आया, तो उस हिसाब से भी आप अपना एक बार टेक शेयर कीजिए कि क्या लगता है HDFC बैंक, क्योंकि एक सेफ बेट्स में से माना जाता है, क्या ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, निफ्टी बैंक को सपोर्ट करेगा? गुड मॉर्निंग सृष्टि और ईटी स्वदेश को पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे लगता है कि यहाँ से आपकी हमारी सबकी जो 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 पैनल में है आते जाते रहते हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ती है, क्योंकि आप समझ लीजिए प्रोबेशन पीरियड खत्म हो गया है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ रही है। देखिए HDFC बैंक की हालत चाइनीज इकोनॉमी के जैसे होके रखी है, ऐसे आप सोच सकते हो, जो बहुत लंबे समय के लिए डल फेज में गया था और अब धीरे धीरे चाइनीज इकोनॉमी भी रिकवरी करने की मतलब करने की कोशिश में है। और HDFC बैंक भी जो ये नंबर्स आप अभी दिखा रहे हैं मुझे तो अच्छे लगे ऑन द फेस ऑफ इट, क्योंकि पूरा एनालाइज अभी तक देख नहीं पाया हुआ इनसाइड, लेकिन हाँ ऑन द फेस ऑफ इट मुझे लग रहा है कि जो बाउंस बैक आना चाहिए जैसे चाइनीज इकोनॉमी या चाइनीज मार्केट्स में आ रहा है, वैसा एक बाउंस बैक HDFC बैंक में भी आना चाहिए। और ये मैं बहुत लंबे समय से कह रहा हूँ कि वन ऑफ द सेफेस्ट बेट है, और इनफैक्ट खाली सेफेस्ट नहीं, ऐसे सेक्टर ऑल्सो BFSI मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी भी, और इस करेक्शन के बाद मुझे लगता है कि और ऐसा अगर ग्रोथ नंबर्स दिखाती है बैंक तो अगला लेग अप हो सकता है कि निफ्टी और सेंसेक्स को HDFC बैंक भी सपोर्ट करे। थोड़ा सा अगर मैं जस्ट बेसिक एक PE रेशियो पे भी अगर जाऊं तो देखिए पिछले 5 साल का जो BSE बैंक एक्स है, मतलब आप निफ्टी बैंक एक्स बैंकिंग निफ्टी बैंक भी समझ लीजिए ऑलमोस्ट सेम रहेगा, पिछले 5 साल का एवरेज PE करीबन 15.5-16 के बीच में आ रहा है, और आज अगर आप वैल्यूएशन देखते हो बैंकेक्स का तो ये करीबन 14.5 पे है, मतलब पिछले 5 साल के एवरेज के नीचे अभी पूरा का पूरा सेक्टर ट्रेड कर रहा है। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है इधर, और मुझे लगता है कि HDFC बैंक और दो जो भी दिग्गज 5 बैंक्स है यहाँ पे बने रहना चाहिए, और HDFC बैंक यहाँ से सपोर्ट करेगा। तो ऐसे डिस्क्लोजर क्लाइंट्स को हमने बहुत पहले से दिलवाया हुआ है, जब 1380-1400 आया था HDFC बैंक, और अभी भी हमारे होल्डिंग में।